हे गाइस, वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम टाटा ग्रुप को कवर करने वाले हैं। आपने थंबनेल पे देखा होगा, टाटा का बड़ा प्लान आने वाला है रिलायंस के साथ। उस बाद अभी टाटा ग्रुप भी रिटेलर निवेशक में, मतलब रिटेल बिजनेस पे अभी उतरने वाला है। तो रिटेलर यहाँ पे बड़ा प्लान, हमें मेगा डील भी सामने आते हुए देखने को मिल रही है। तो अभी फिलहाल तो रिलायंस के ऊपर खतरा मंडराते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिलायंस के बाद अभी टाटा के पूरे प्लान के साथ यहाँ पे रिटेलर बिजनेस में उतरने वाला है। और इनके अभी प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि रिलायंस ने जैसे फ्यूचर्स ग्रुप को एक्वायर कर लिया था, टेक ओवर कर लिया था रिटेल बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो वैसे ही टाटा ग्रुप पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे प्लान्स के साथ यहाँ पे रिटेल बिजनेस में उतरने की तैयारी करने वाला है और कर चुका है। प्रोसेस उनके स्टार्ट हो चुके हैं। तो उनके साथ कौन से कंपनी जुड़ने वाले हैं और इसका इम्पैक्ट यहाँ पे टाटा ग्रुप के ऊपर और रिलायंस के ऊपर क्या गिर सकता है, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट जोड़ो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैंने नीचे अपस्टॉक की लिंक दे दिए, वो लिंक यूज करके आप 15 मिनट में ही शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं और ऐसे शेयर्स में निवेश करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं तो टाटा ग्रुप से, क्योंकि टाटा ग्रुप अगर देखेंगे जो इनका बिजनेस संभालने वाला है रिटेलर बिजनेस, उनका उस कंपनी शेयर्स का नाम है दोस्तों ट्रेंट लिमिटेड, ट्रेंट जो कि टाटा ग्रुप का रिटेल हैंड है। अगर ये देखेंगे ऑपरेट इन वेस्ट साइड, एक्चुअली में ये ट्रेंट कंपनी ऑपरेट करती है और जिसमें ये ज्यादातर है ना ग्रोइंग रिटेल चेन्स इन इंडिया है, मतलब जिनमें बहुत सारे बिजनेस इनके अंडर से। अगर हम इनके बिजनेस के बारे में बात करें, बिजनेस के बारे में बात करें तो 143 स्टोर्स अवेलेबल है, जिसमें 82 सिटीज अवेलेबल्स है। और एक जुड़ो करके एक नाम है जो फैशन ब्रांड है, उनके लगभग 20 हमें स्टोर्स अवेलेबल देखने को मिले लगभग 12 सिटीज में। और अगर इनके देखेंगे तो ये ऑपरेट भी करती है जो लगभग 10 हाइपरमार्केट एंड 26 सुपरमार्केट, जो कि बिग बाजार के अंडर आती है, मतलब जो बिग बाजार ब्रांड है उनके अंडर ये लगभग 10 इनके हाइपरमार्केट भी है और 26 सुपरमार्केट भी है। और हाल ही में 2008 में उन्होंने कुछ 16 लैंडमार्क स्टोर भी एक्वायर कर लिए, लगभग 100% के आसपास स्टेक एक्वायर कर लिए थे लैंडमार्क के, जो कि बुक एंड म्यूजिक रिटेलर संभालता है। तो आप सोच सकते हो कैसे एक एक करके बिजनेस बढ़ाते जा रहे थे, अभी फिलहाल वो रिटेलर में पूरी तैयारी के साथ उतरने वाले, क्योंकि उनको भी पता है कि जो रिटेल बिजनेस है उनमें अभी फिलहाल ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसा मैनेजमेंट का भी कहना है और मैनेजमेंट ये भी साथ साथ जो इंटरनेट कंपनी भी एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो बिजनेस है रिटेलर बिजनेस उसको टेक ओवर करने के लिए उनका ऑफलाइन भी मोड जरूरी है और ऑनलाइन मोड भी जरूरी है। तो साथ ही साथ हम अभी सीधे चलते हैं न्यूज़ के ऊपर, डिपेंड करते हैं उसके बाद हम सोच सकते हैं कि कैसे आप यहाँ पे निवेश कर सकते हो या नहीं, क्योंकि इतना बड़ा टाटा ग्रुप भी एक बहुत ही कंग्लोमरेट बिजनेस करने वाला कंपनी है। रिलायंस के बाद है ये, रिलायंस के साथ साथ मतलब रिलायंस जितनी बड़ी है उतना ही टाटा ग्रुप भी हमें बड़ा ग्रुप देखने को मिला है। तो रिलायंस भी उतर सकता है तो कॉम्पिटिशन हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे गौर करेंगे बिग बास्केट जो ऑनलाइन ट्रेडिंग मतलब जो इनके बिजनेस देखेंगे बिग बास्केट के, जो कि डेली ऑर्डर्स इनके देखेंगे तो लगभग जो 1,60,000 इनके डेली ऑर्डर्स रहते हैं। तो अभी फिलहाल बिग बास्केट इन टॉप टू सेल मेजोरिटी स्टेक टू टाटा ग्रुप, मतलब टाटा ग्रुप से जुड़ने वाली है। टाटा ग्रुप का अपनी जो स्टेक है लगभग 50% के आसपास कुछ स्टेक यहाँ पे बिग बास्केट अपने सेल करने वाले टाटा ग्रुप को, तो एक बहुत ही बढ़िया मौका हो सकता है दोनों कंपनी के लिए भी, बहुत ही बढ़िया मौका हो सकता है और खासकर टाटा ग्रुप के लिए, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि रिलायंस और टाटा के ग्रुप के बीच में। अगर नीचे भी गौर करेंगे पूरी डिटेल्स में जानकारी लेंगे तो यहाँ पे मेजर स्टेट स्टॉक लेने उठाने वाली है जो कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस करती है टाटा ग्रुप। और यहाँ पे गौर करेंगे तो बिग बास्केट इज एडवांस टू नेगोशिएशन विद टाटा ग्रुप टू डाइवर्स्ट इज अ मेजोरिटी स्टेक इन फेवर ऑफ सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर सर्विस कॉन्ग्लोमरेट अकॉर्डिंग टू द थ्री पीपल्स नोन द डील विच इज टू स्टिल इवॉल्विंग कुड बी बेंगलोर बेस्ड कंपनी सेल अराउंड 50% स्टेक, मतलब अबाउट $1 billion, मतलब $1 billion के लिए यहाँ पे बेची जा सकती है लगभग 50% स्टेक यहाँ पे वह बिग बास्केट बेचने वाली है। और जो चाइना का इंटरनेट जायंट है अलीबाबा, उनके लगभग 26% यहाँ पे स्टेक अराउंड करती है, मतलब बिग बास्केट में वो भी यहाँ पे सेल करने के चांसेस है कि पूरा, मतलब जो 76 एक्वायर करती थी चाइना बेस्ड अलीबाबा कंपनी, वो पूरे के पूरा 26
स्टेक यहाँ पे सेल करने की यहाँ पे तैयारी में देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो इनके साथ जुड़ने वाले मतलब जो अनदर्स इन्वेस्टर्स है जो बिग बास्केट के, तो यहाँ पे अगर गौर करेंगे अदर्स जो इन्वेस्टर्स ही ग्रोसरी कंपनी इंक्लूड एक्सेंट कैपिटल, सीडीसी ग्रुप एंड एवरेज ग्रुप जो इनके साथ जुड़ चुके हैं, ऑलरेडी जुड़ चुके, तो ये भी इनके जो स्टेक्स है वो यहाँ पे हमें बेचने के यहाँ पे चांसेस देखने को मिल सकते हैं। और भी नीचे जो इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे टाटा ग्रुप एग्जीक्यूटिव टू डिस्कशन सेड दैट कंग्लोमेरेट इज लाइकली टू एग्जीक्यूट डील थ्रू डिजिटल आर्म टाटा डिजिटल एंड द बिग बास्केट। मतलब उनका यही कहना है, मैनेजमेंट का यही कहना है कि एक डील एग्जीक्यूट हो सकती है डिजिटल आर्म के जरिए, टाटा डिजिटल के जरिए एंड बिग बास्केट के जरिए। तो एक मौका भी हो सकता है रिटेलर बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका मैनेजमेंट का यही कहना है कि फ्यूचर्स में हमें ग्रोथ डेफिनेटली ग्रोथ मिल सकती है अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं ऑनलाइन मार्केट एंड ऑफलाइन मार्केट को। तो यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे जुड़ सका। और यहाँ पे जो मेन बात उन्होंने कही है, इट जस्ट अ स्टेप वन फॉर सेवरल अदर सिमिलर टाई अप कोलैबोरेशन दैट द ग्रुप इज लुकिंग फॉर स्ट्राइक टू स्केल इट्स डिजिटल प्रेजेंस। मतलब ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि बिग बास्केट से अगर डील होती है तो उसके बाद और भी यहाँ पे कोलैबोरेशन करने के, टाई अप करने के यहाँ पे चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। मतलब जो बिग बास्केट का डील जो है वो फर्स्ट स्टेप है, ऐसा इनका कहना है। और जो इनकी बात देखा जाए तो और भी यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे भी कहा है, टाटा ग्रुप हैज़ हेल्प टू टॉक विद द बिग बास्केट एज वेल एज ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील एंड इंडिया मार्ट। मतलब आप सोच सकते हो कि बिग बास्केट की जो डील है वो सिर्फ शुरुआत है, उसके बाद उन्होंने साथ साथ ई कॉमर्स कंपनी जो स्नैपडील है इंडिया ऑनलाइन का, सभी को पता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और इंडिया मार्ट जो अगर देखेंगे तो इनके साथ भी जुड़ने इन्होंने ऑलरेडी बात की है। तो आप सोच सकते हो कि कैसे पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे टाटा ग्रुप उतरने वाला है रिटेलर बिजनेस में। और मैं आपको बता दूं कि जो पब्लिकली ट्रेडेड बिजनेस है टू बिजनेस ई टेलर्स कंपनी इंडिया मार्ट, और उसके बाद स्नैपडील एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है स्नैपडील, और साथ ही साथ ई ग्रोसरी बिग बास्केट, ये पूरी तरीके से जुड़ने वाले है टाटा ग्रुप को। सिर्फ अभी बात चल रही है, अभी फिलहाल उसके प्रोसेस जल्द से जल्द होने की तैयारी में देखने को मिला है। तो इसका इम्पैक्ट अगर आज के दिन देखेंगे ट्रेंड के ऊपर, अगर देखेंगे ट्रेंड लिमिट 671 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। फिलहाल इसमें निगेटिव परफॉर्मेंस है, तो इसकी वजह भी साफ साफ है कि आज के दिन हमें मार्केट जो मंथली एक्सपायर देखने को मिला है, तो निफ्टी 50 में एक्चुअली में दबाव देखने को मिला है, तो इसके बदौलत इन शेयर्स में भी हमें दबाव देखने को मिल रहा है। तो सब जाहिर सी बात है, अगर इनका खरीदारी का मौका देखेंगे ईयर टू ईयर की बात की जाए तो साल का हाई 700 के आसपास जाते हुए, मतलब लगभग 800 के आसपास ये शेयर्स जा चुका था। उसके बाद लॉकडाउन के चलते हुए इनमें 404 रुपये के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी। तो आप सोच सकते हो कैसे इनमें खरीदारी का मौका मिल रहा था जिन्होंने निवेश किया, तो या भी फिलहाल तो अभी उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर इनके जो ट्रेंडिंग पैटर्न देखिए तो बहुत ही वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। फिलहाल जो 600 के ऊपर ही फिलहाल ट्रेड करता है, तो अगर हम एक महीने का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो एक महीने का जो लेवल था इनका 700 के आसपास है, फिलहाल भी 30 रुपये के आसपास डिफरेंस कुछ देखने को मिल रहा है। तो यही सही मौका हो सकता है, जिन्होंने निवेश नहीं किया तो उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि अगर ये बिजनेस मतलब जो ये डील्स है अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो ये शेयर्स हमें भागते हुए देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ इन शेयर्स पे भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर इनका मैक्स लेवल का चार्ट पैटर्न भी अगर गौर करेंगे तो कंटिन्यूसली हमें लगातार अप ट्रेंड ही जाते हुए देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे अगर गौर करेंगे लॉकडाउन के चलते हुए सिर्फ इनमें गिरावट देखने को मिला, तो नहीं तो ये अप ट्रेंड ही जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली इनमें और भी तेजी आना मुमकिन हो सकता है। अगर यहाँ पे और हाई का अगर देखेंगे तो उनका जो लेवल था 800 के आसपास था, अगर यहाँ पे हमें 52 भी खाएंगे अगर देखेंगे 804 के आसपास देखने को मिला था। मतलब अभी फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस भी ये शेयर्स फिलहाल देखने को मिल रहा है, और जो 52 वीक लो 365 के आसपास लॉकडाउन के चलते हुए देखने को मिल रहा है। और आज के दिन अगर डिलीवरी की बात की जाए तो डिलीवरी पोजिशन आज के दिन कितने परसेंट के आसपास उठाई गई है, तो यहाँ पे अगर गौर करेंगे हमारे पास सिर्फ 11 बजे के आसपास, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने परसेंट के आसपास यहाँ पे डिलीवरी पोजिशन उठाती गई देखने को मिल रही है। तो लगभग यहाँ पे देखेंगे तो 47% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी पोजिशन उठाते हुए देखने को मिला, मतलब रिटेलर निवेशक यहाँ पे बरबर के माल उठाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे इस शेयर पे भी नजर रखनी चाहिए, जब भी आपको अगर डाउन और भी गिरता है तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया सही मौका है और अच्छा कंपनी है और अच्छे ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इन शेयर्स में भी आपको नजर रखनी चाहिए।
तो आई होप आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके मन में कोई डाउट्स करे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आप तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।